पूरे देश भर में हो रही है नरेंद्र मोदी जी की स्तुति, पूरे देश भर में लोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की स्तुति। क्यों नहीं सत्ता में आएगी महाराष्ट्र में महायुति, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पार्टी पूरे राज्य भर में है, देश भर में तो मेरी पार्टी है ही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र देखा जाए तो मतलब पूरे का कोकण हो या ठाणे डिवीजन हो या मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, हर जगह पर मेरी पार्टी काम करती है। इसलिए मेरे पार्टी को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं केशव भूमि न्यूज। महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कौन सी पार्टी किस विधानसभा पर चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर महायुति हो या महागठबंधन हो, दोनों में मंथन चल रहा है और अधिकतर सीटों पर दोनों की सहमति बन चुकी है। वहीं इस वक्त जो है हमारे साथ केंद्रीय मंत्री माननीय रामदास अठावले जी हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में महायुति की तरफ से उन्होंने किन किन सीटों पर दावा किया है और महायुति की तरफ से उन्हें कौन कौन सी सीटें दी जाने वाली है। सर क्या कहेंगे, जो महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है तो आपने कितनी सीटों पर दावा किया है? हमने दावा किया था 10-11 सीटों पर, लेकिन अभी जब हमने माहौल देखा तो हमने बोला था 5 सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन अभी 5 सीटें भी मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये पार्टी पूरे राज्य भर में है, देश भर में तो मेरी पार्टी है ही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र देखा जाए तो मतलब पूरे का कोकण हो या ठाणे डिवीजन हो या मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, वेस्टर्न महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, हर जगह पर मेरी पार्टी काम करती है। इसलिए मेरे पार्टी को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। मेरी पार्टी ईमानदारी से महायुति के साथ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर, उनका जो डेवलपमेंट का एजेंडा है उसको साथ देकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं होने के बावजूद भी उनके मंत्रिमंडल में तीसरी बार मुझे स्थान दे दिया है मंत्री पद का। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे मंत्री पद से पूरे देश भर में मेरी पार्टी पपट रही है, नॉर्थ ईस्ट में भी मेरी पार्टी काम कर रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति के साथ अगर हम है तो हमें कुछ सीटें मिलनी चाहिए। तो अभी तो हमारी अपेक्षा है कि रिपब्लिकन पार्टी को तो 3 सीट मिलनी चाहिए, उसके साथ साथ एक MLC मिलना चाहिए, सरकार आने के बाद 1-2 मंत्री पद मिलना चाहिए और 2-3 महामंडल के चेयरमैन पद मिलना चाहिए। हर महामंडल में एक हमारा जो सदस्य होता है, डायरेक्टर होता है, वो लेना चाहिए। और जिला तालुका की जो कमेटियां है उसमें भी RPI के कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ जो अभी आने वाले महानगर पालिका के चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव है, उसमें भी रिपब्लिकन पार्टी को अपना हिस्सा देना चाहिए। और कुछ हमारी मांगे है, उस मांगों को भी मतलब महायुति के नेताओं ने सहमति देनी है। तो 2-3 दिन के अंदर ही हमारी माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, इनके साथ हमारी मीटिंग होगी और उसमें रिपब्लिकन पार्टी को क्या दे रहे हैं इस पर हमारी सहमति हो जाएगी। और रिपब्लिकन पार्टी की भूमिका ये है कि रिपब्लिकन पार्टी महायुति के साथ ही रहना चाहती है। रिपब्लिकन पार्टी महाविकास आघाड़ी को मतलब सत्ता में रोकने के लिए प्रयत्न करने की हमारी मुख्य भूमिका है। और इसीलिए महाविकास आघाड़ी के पास सत्ता जाएगी तो महाराष्ट्र का सत्यानाश होगा, क्योंकि महाराष्ट्र डेवलपमेंट की दिशा से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे के सरकार ने बहुत सारे निर्णय ले लिए हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ की जनता जो है, ये जनता महायुति के साथ रहेगी। लोकसभा में जरूर हमको तो धक्का बैठा था, लोकसभा में 35 से लेकर 40 तक सीटें हमारी आनी चाहिए थी, लेकिन खाली 17 सीटों पर ही हमें समाधान मानना पड़ा था। लेकिन उस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में संविधान बदलेगा, आरक्षण निकाला जाएगा, मुस्लिमों को यहाँ से भगा देंगे, इसी तरह की गलत बातें इन लोगों ने, इंडिया आघाड़ी ने करने का प्रयत्न किया था। और इसलिए हमको
मतलब अनेक सीटों पर हमको नुकसान हुआ था, इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त वो संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा, इस वक्त आरक्षण का मुद्दा नहीं चलेगा, उल्टा राहुल गांधी को मैं घेरेगी। और राहुल गांधी ने ही मतलब एक दिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो आरक्षण असम का नहीं निकाल देगी, इसी तरह की बयानबाजी उन्होंने की थी। तो राहुल गांधी को हम घेरने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इस वक्त महाविकास आघाड़ी को सफलता मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए महायुति कम से कम 165 से लेकर 177 सीटें जीत कर महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी। सर, इस चुनाव में कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे जिसे लेकर महायुति जो है चुनाव के मैदान में जाएगी? मुद्दे तो इतने होंगे कि भाई जिस तरह महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो रहा है, रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, रेल का डेवलपमेंट हो रहा है, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत मिल रही है, दलितों के लिए भी अनेक निर्णय हो चुके हैं, और मतलब हमारी जो लाडली बहना है, लाडली बहना ये जो स्कीम है, इस स्कीम से 1 करोड़ महिलाओं को उसका फायदा होने वाला है, हर महीने को 1,500 रुपये मिलेगा, हमारी सरकार आएगी तो और भी हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे, तो हर महीने को अगर हमारे बहनों को इतना पैसा मिलेगा तो छोटी मोटी मदद उनको हो सकती है। और भी डेवलपमेंट के अनेक मुद्दे हैं, मुंबई का डेवलपमेंट है, महाराष्ट्र का डेवलपमेंट है, कई निर्णय सरकार ने लिए है, इसीलिए उस मुद्दों को लेकर हम जनता के सामने जाएंगे और महाविकास आघाड़ी को सत्ता में आने के लिए रोकने की जिम्मेदारी RPI पर है, रिपब्लिकन पार्टी पर है, दलित का वोट है, दलित का वोट महायुति की तरफ लाने में हमें इस वक्त अच्छी सफलता मिलेगी, और इसीलिए जो रुझान आएगी वो रुझान महायुति के फेवर में आएंगे। जिस तरह हरियाणा में भी हुआ कि एग्जिट पोल की रिपोर्ट हरियाणा में कांग्रेस सरकार आएगी ऐसे रिपोर्ट थे, यहाँ के रिपोर्ट ऐसे है कि जिस तरह लोकसभा के चुनाव में 30 सीट जो है ये महाविकास आघाड़ी की सुनकर आई थी, एक इंडिपेंडेंट आया था, वो भी उनका ही था, तो मतलब 31 सीटें उन्होंने जीतकर मतलब बड़ी हासिलता उन्होंने पाई थी, लेकिन इस वक्त वो मुद्दे नहीं चलेंगे, इसलिए जो मैंने पहले भी बोला कि इस वक्त वो मुद्दे नहीं चलने के कारण महायुति को अच्छी सफलता में मिलेगी। और महाराष्ट्र में इस वक्त राज ठाकरे की पार्टी अनेक सीट पर लड़ रही है, तीसरी आघाड़ी एक वो लड़ रही है, प्रकाश अंबेडकर भी सभी सीटों पर लड़ रहे हैं, महादेव जानकर भी लड़ रहे हैं, और ऐसे अनेक पार्टियां जो है ये समाजवादी पार्टी भी शायद अलग लड़ रही है, वो अनेक मतलब उम्मीदवार इस वक्त मतलब मैदान में है, उसमें सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसको होगा तो महायुति को फायदा होगा और महायुति सत्ता में आएगी। सर, जैसा कि आपने कहा कि महायुति की सरकार आएगी, जबकि महाविकास आघाड़ी के नेताओं का अलग ही दावा है, उनका कहना है कि महायुति सरकार से जो देश की या राज्य की जनता है वो परेशान है और महंगाई से परेशान है, इसके लिए महाराष्ट्र की जो जनता है इस बार सत्ता उनके हाथ में देगी। मुझे लगता है कि महंगाई जो है महंगाई के लिए परेशान तो है, लेकिन जब उनके हाथ में सत्ता दी तब जो उन्हें महंगाई का कम कर दी, महंगाई कम करने की कोशिश हमारी है जरूर, मतलब यहाँ के आम आदमी को गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना आने के बाद कम से कम 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का निर्णय लिया, और लगातार वो निर्णय चल रहा है 5 सालों जो चल रहा है, आगे भी 5 साल तक मतलब सभी गरीब लोगों को फ्री में अनाज मिलने वाला है, किसानों के खाते में 6,000 रुपये जा रहा है, सीनियर सिटीजन के लिए भी अनेक योजनाएँ हैं, दिव्यांगजनों के लिए हमारे अनेक योजनाएँ हैं, दलितों के लिए भी अनेक योजनाएं हैं, इसलिए मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी जो बोल रही है कि भाई लोग परेशान है, लोग मतलब परेशान नहीं है, महाविकास आघाड़ी महायुति का काम देखकर, नरेंद्र मोदी जी का काम देखकर महाविकास आघाड़ी को परेशान है, जनता हमारे बारे में बिल्कुल परेशान नहीं है। सर, एक लास्ट सवाल है कि लोकसभा हो या कोई पब्लिक मंच हो, वहाँ पे आप कोई भी अपना पक्ष एक कविता के माध्यम से रखते हैं और आपकी कविताएं हमेशा सुपर हिट रहती है, तो क्या कहेंगे आपकी कविताओं को लेकर? कविता तो मैं करते रहता हूँ, मतलब कविता करने की आदत मुझे है, इसीलिए मतलब मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि पूरे देश भर में हो रही नरेंद्र मोदी जी की स्तुति, पूरे देश भर में लोग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की स्तुति, क्यों नहीं सत्ता में आएगी महाराष्ट्र में महायुति,
चला। आपने देखा ये रामदास अठौले जी थे, इनका कहना था कि महायुति में दलितों को लाना हमारी जवाबदारी है, आरपीआई की जवाबदारी है, और जो हम हमारी जवाबदारी को निभाएंगे। संजय सिंह पालघर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।